मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म है। प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो वही बालाघाट विधानसभा सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी ने यहां से मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उसकी जगह गौरीशंकर बिसेन ने आज बालाघाट सीट से नामांकन भर दिया है। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सवाल पूछने पर मौसम बिसेन की तबीयत खराब होने की बात कही गई, बिसेन ने कहा कि जैसे ही बेटी की तबीयत ठीक होगी वो उसका नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। आज आपने फॉर्म भरा है, क्या सोचा फॉर्म भरा है? मौसम यहाँ है नहीं, और उसके आने के बाद उसका फॉर्म जमा किया जाएगा। आज आपने भरा फॉर्म? हाँ, आज मैंने भरा। बीजेपी से भरा। मौसम की तबीयत खराब है, वो तो आपको पता है जी। जी, इस कारण आप अभी सुरक्षा के वजह से फॉर्म भरे। बालाघाट सीट महाकौशल क्षेत्र की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां बीजेपी और कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी ने मौसम बिसेन तो कांग्रेस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे को टिकट दिया है। गौरी शंकर बिसेन के नामांकन भरने पर कांग्रेस ने तंज कसा। गौरी भाव के द्वारा नामांकन भर देते हैं गौरी शंकर बिसेन जी, क्या प्रतिक्रिया? ये कांग्रेस पार्टी का डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैंने कहा ना कि कोई उल्लेखनीय उनकी कार्य नहीं है जो वो बयां कर सके, बता सके कि हमने किया है और बहुत मजबूती के साथ। और उनको दिख रहा है कि सामने कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है, हमारा संगठन एकजुट है, और परिवर्तन इतना बहुत मजबूती के साथ होने वाला है। तो ये सब चीजों से उनको भारी घबराहट हो गई है। तो मैंने तो पहली बार देखा अपने राजनीतिक जीवन में कि एक राष्ट्रीय पार्टी में इतना असमंजस है कि कभी बेटी को टिकट घोषित हो जाती, उनको टिकट मिल जाती, उसके बाद पिताजी फॉर्म भर देते हैं, और फिर रात को ये खबर आती कि नहीं नहीं बेटी ही फाइनल है। तो ये डर है, भय है, घबराहट है कांग्रेस पार्टी की। बहरहाल गौरीशंकर बिसेन के नामांकन फॉर्म भरने के मामले ने सियासी पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे मौसम नामांकन भरेंगी या बीजेपी टिकट में बदलाव करेगी। बहरहाल भाजपा ने टिकट नहीं बदला है और गौरीशंकर बिसेन ने डमी रूप से नामांकन भर दिया है। सियासी गलियारों में से लेकर चर्चा गर्म है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरीश लिल्हारे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।